पहले फिल्मों की दुनिया, फिर सीरियल्स की दुनिया और अब आ गई है वेब की दुनिया। नए चेहरे, नई कहानियाँ, लेकिन इसके पीछे क्या होता है वेब की दुनिया की सच्चाई, ये देखी गई मुंबई में आयोजित वेब फेस्ट में, जिसे ऑर्गेनाइज किया है IWM बस ने, जहाँ पर वेब की दुनिया के जाने पहचाने नाम, फिल्मों की दुनिया के जाने पहचाने नाम और टीवी की दुनिया के जाने पहचाने नाम पहुँचे इस पर अपने विचार देने। देखिए, ये तो अभी शुरू हुआ है, मतलब अभी टेलीविज़न और हम लोग वेब सीरीज़ की बात करते हैं, डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, अभी तो इसका मतलब शुरुआत है, बट इट्स ग्रोइंग रियली फास्ट, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मतलब कि अब कह सकते हैं आने वाले टाइम में एक टेलीविज़न होगा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा और एक फिल्म्स होंगी, तो ये तीनों प्लेटफॉर्म्स आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम होने वाले हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, और इतना इफेक्टिव है कि आपका ऑडियंस देखते ही आपको रिस्पॉन्ड दे देता है, आपको कहीं सुनी बातों पे जाना नहीं पड़ता, आपको उसी समय ऑडियंस कमेंट कर सकता है, लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है, तो इसके रिस्पॉन्स की वजह से इसका जो एक कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए जो उसमें मज़ा है वो बहुत ज़्यादा है। वेब की दुनिया डेफिनेटली चमकीली और सुनहरी है और बहुत डिफरेंट भी है, ये एक बहुत नया कल्चर आया है और ये कल्चर हम अपने घर में बैठ के आराम से अपने फ़ोन्स को टीवी पे कनेक्ट करके हम ये देख सकते हैं, एंड टेलीविजन एंड मूवीज ऑल्सो आर कम्प्लीटली डिफरेंट। बट आई थिंक वेब इज समथिंग विच हैज़ बीन देयर बट अ वेरी स्लो पेस, लाइक आप सब कंटेंट अभी डिजिटलाइज्ड हो गया है, एज यू राइटली सेड दैट इज नो सेंसरशिप, बट जहाँ पे सेंसरशिप आता था लोगों का क्रिएटिविटी वहाँ पे बंद हो जाता था, सो नाउ यू हैव नो लिमिट्स, यू कैन थिंक बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, यू कैन क्रिएट एनीथिंग एंड गो अहेड विद दैट। आप देखिए, आज से 3-4 साल पहले हमें लाइन में लगना पड़ता था ऑडिशन देने के लिए, पर अब हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में कॉन्टेंट डालते हो और अगर चल गया तो जनता इतनी जल्दी उसको ग्रैप करती है कि आप किसी की वैलिडेशन के मोहताज नहीं हो, कोई आपको बताने वाला नहीं है कि तुम नहीं चलोगे, आप खुद डाल के उसका रिव्यू ले सकते हो जनता से, इतना ट्रांसपेरेंट है इंटरनेट। रिसेंटली 3 months बैक आई हैड लव स्टोरीज ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑन नेटफ्लिक्स, एंड बस दैट वाज आल्सो ग्रेट, एंड अभी हम अंदर आपस सब बैठे हुए थे, यही डिस्कस कर रहे थे कि द थिंग ऑफ डिजिटल इज के यू आर अलाइव एवरी डे, डिजिटल इट्स नॉट लाइक अ मूवी के 2 हफ्ते, इवन इन द पिक्चर इज अ बिग हिट, यू आर इन न्यूज़ फॉर द 2 वीक्स एंड देन द मूवी गोज, किसी और की फिल्म आती है, आप ही की कोई दूसरी फिल्म आ जाती है, वो आदमी भूल जाता है, बट ये इट्स लाइक इन इट्स इन योर लाइब्रेरी, इट्स इन द डेस्कटॉप, लॉट ऑफ पीपल हैव सीन लव स्टोरीज नाउ रिसेंटली, सो सडनली यू गेट अ मैसेज, यू पिक अप योर फोन इन द मॉर्निंग व्हेन यू वोकन अप एंड देयर आर 5 मैसेजेस वेयर पीपल हैव सीन आपकी फिल्म देखी हुई, आपकी लव स्टोरीज देखी है। ऑनेस्टली 90% राइट नाउ ऑफ व्हाट आई वॉच इज ऑल डिजिटल, व्हाट माय हस्बैंड वॉचेस इज डिजिटल, व्हाट माय फ्रेंड्स वॉच, आई थिंक this is the pulse of today's youth, the majority you know, the adrenal and the buzz that is there with our kind of lifestyle and our pace of living, this works beautifully well for us. yani ki ab web ki duniya tv ki duniya ko competition degi. is mauke par web ki duniya ke logo ne bhi shirkat ki aur is par apne vichar pesh kiye। आज तक ब्यूरो।